आपको छोटी छोटी चनोरियाँ सी चिपकी नज़र आ रही हैं, स्क्वेयर पीस जो रेक्टेंगल पीस आपको दिख रहे हैं, ये बाल मिठाई होती है। और इस बाल मिठाई को क्या नाम आपका? मेरा सचदेवा मेरा नाम है। हम लोग प्रिंटेड स्वीट्स पौड़ी गढ़वाल में हमारी शॉप है, श्रीनगर में हम लोगों ने खोली है। इस शॉप के ओनर मेरे फादर साहब श्री सुरेश कुमार सचदेवा जी हैं। उनके इनोवेशन से बाल मिठाई को और इनोवेट करके हम लोगों ने जैगरी गुड़ से बनाई है तिल बाल, वो विंटर स्पेशल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो भी जी। और जो गुड़ से बनने वाली बाल मिठाई है, गुड़ से बनने वाली, ये देख सकते हैं, ये उतनी सफेद नहीं है जितनी सफेद ये वाली बाल। ये भी दिखा दें मैम थोड़ी सी, एक पीस ये भी निकाल के दिखा दें। और इस मिठाई के साथ तिल लगा हुआ है, और इस पर ये क्या लगाते हैं? बालदाना। बालदाना शुगर से बना होता है। कई लोग आजकल व्हाइट शुगर को अवॉइड करते हैं, इसलिए इसमें पीनट्स, गुड़ और काजू से हमने ये बाल मिठाई बनाई है। और उसके ऊपर तिल लगे हुए हैं, सफेद तिल की कोटिंग है इसके ऊपर, सफेद तिल की कोटिंग है। वेरी हेल्दी, गुड फॉर विंटर्स जी। और ये देख सकते हैं आप, ये बाल मिठाई। और ये जो बाल मिठाई है, ये बाल मिठाई उत्तराखंड का एक पसंदीदा, उत्तराखंड और अल्मोड़ा की ये बहुत फेमस मिठाई होती है। पहाड़ों में और ठंडे इलाकों में ये मिठाई बन पाती है, बन पाती है, यही बनती है, यही बन पाती है। और खाई भी ये इसी सीजन में जाती है ज्यादातर। बाल मिठाई चॉकलेट से हर सीजन में चलती है, पर ठंडी पाती है क्योंकि इसका प्रिपरेशन और प्रोसेस जो है वो प्लेन्स में कभी भी बन नहीं पाता, बहुत सॉफ्ट सॉगी हो जाता है। हाँ, मतलब हम यहाँ से ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, तो पिघल जाती है ये जी। तो आप देख सकते हैं, आपको एक खास मिठाई हम लोग दिखा रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं ये जो जलेबी है, पनीर जलेबी है, इसे पनीर से बना रहे हैं। पनीर से बनता है ये, पनीर को पीट कर तब बनाई जाती है, ये भी हमारे शॉप की एक बहुत स्पेशल चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं। और एक और खास चीज़, नमस्कार सचदेवा जी, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, आप ठीक ठाक हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और एक खास बात और हो रही है यहाँ, चॉकलेट के साथ गुड़, गुड़ वाला चॉकलेट है ये, आप ये देख सकते हैं, गुड़ के साथ बड़े प्रयोग हो रहे हैं यहाँ इस शॉप में। हाँ सचदेवा जी, गुड़ का, क्योंकि गुड़ अब लोग शुगर से ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। गुड़ को मानते हैं लोग, शुगर से ज्यादा फायदेमंद गुड़ को मानते हैं, इसलिए। और भी तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ, उत्तराखंड की परंपरागत मिठाई बाल मिठाई में प्रयोग किए जा रहे हैं, नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और अब इसे गुड़ से भी बनाया जा रहा है। ये एक तिल वाला बाल मिठाई है जी, वो बता दिया उन्होंने अभी जी। जोड़ेंगे आपको ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।